मेरे को बस एक ही चीज अभी आप लोग बोलेंगे जी फीड भाई ने जैक का छपरी भिमंगे चोर जेब कर रहे और साले चप्पल चोर खसी कॉलोनी के भिमंगे लड़के अपना नकली नाम पहले तो जैकनेस रखते हैं उसके बाद जैक लॉर्ड बुलाते हैं ताकि बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाली लड़कियों को ये लगे कि ये भिमंगे चोर साले को ही कोठी बंगले वाले लड़के हैं लेकिन एक नंबर के नल्ले बेरोजगार लड़के होते हैं। इस वीडियो में मैं जैक भैया का फेस रिवील, वॉइस रिवील और चैनल रिवील करने वाला हूं। और किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए वीडियो को पूरा ही देखना। वैसे इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये लोग फेस रिवील क्यों नहीं करते हैं, जैसे कि टोटल गेमिंग प्रो वॉइस जंकी इन सब लोगों के ऑडियंस जो है वेट कर रहे हैं इनके फेस रिवील का। लेकिन आखिरकार ये लोग फेस रिवील क्यों नहीं कर रहे हैं? तो गाइस देखो, इसका सिर्फ एक ही रीजन है, चैनल की रीच डाउन होने का। अब एग्जांपल के लिए तुम लोग ड्रीम को ही ले लो। ड्रीम के पहले बहुत अच्छे खासे व्यूज आ जाते थे, लेकिन जब से ड्रीम ने फेस रिवील किया तब से उसकी रीच डाउन हो गई है और इसी वजह से ड्रीम ने अपने फेस को अनरिवील भी कर लिया। लेकिन जो होना था वो तो हो चुका है। अब जैसे कि जैक भैया को हम लोग जानते हैं एक छोटा सा क्यूट नॉटी बॉय जो कि अपनी हरकतों से मजे लगाता रहता है, और अगर फेस रिवील होने के बाद जैक भैया एक छोटा सा लड़का ना होकर एक आदमी निकलेगा तो ये ऑडियंस को नहीं पसंद आएगा, जिससे कि फ्रीड भाई की चैनल की रीच डाउन हो जाएगी एकदम, क्योंकि जैक भैया फ्रीड भाई की वीडियो में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वेल एक बार फ्रीड भाई लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं और जब लाइव स्ट्रीम एंड होने वाली होती तो वहाँ पर एक आवाज आती है जिसे सुनकर ऑडियंस कमेंट करने लगती है कि ये जैक भैया हैं, और वो वाली क्लिप आप लोग भी देख लो। गवार आदमी है भाई, समझा रहा हूं कि नहीं है वो इतना महंगा भाई, वो तब भी लगा पड़ा है, क्या करूं अब मैं। You do not know what you are risking. भाई वो बंदा लिटरली वो चाहता। तो गाइस यहाँ पर जो आवाज थी वो किसी इंसान की नहीं थी, मतलब कि इंसान की ही थी लेकिन किसी बंदे ने डायरेक्टली नहीं बोला था। मैं भी हो सकता है कि ये किसी वीडियो में कोई बंदा बोल रहा होगा, और इस बात पर फ्रीड भाई ने भी कुछ नहीं कहा था। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे जैक भैया तो वहाँ पर ये वाला चैनल आए जो कि ऑब्वियसली फेक है। लेकिन कुछ दिन पहले इस चैनल के अलावा और भी ढेर सारे चैनल थे जिन पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे, और इसी बात पर फ्रीड भाई ने भी रिएक्ट किया था और क्या कहा था तुम लोग खुद ही देख लो। गाइस मेरे को बस एक ही चीज बोलनी थी कि जैक का कोई भी YouTube चैनल नहीं है, ठीक है, मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं, जैक का कोई भी YouTube चैनल नहीं है, और जितने भी फेक चैनल्स बन रहे हैं मैं सब में कॉपीराइट स्ट्राइक मारूंगा मैं और मेरी टीम, और उनके चैनल्स डाउन हो जाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप ना करो ऐसे यार, करते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वेल एक बार जैक भैया का फेस रिवील होते होते बच गया था, बाकी वहाँ पर क्या हुआ था तुम लोग खुद फ्रीड भाई के मुँह से सुन लो। तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मैं बैंगलोर गया था वहाँ सैमसंग के इवेंट में, जब हम लोग बाहर को गए, जब तुमने एंड देखा, जब हम लोग बाहर को जा रहे थे सारे के सारे एंड होके पूरा इवेंट, एक बंदा पीछे से क्या चिल्लाता है, वो तो मैं मुड़ा नहीं पीछे, क्या चिल्लाता है बताए, गेमर फ्लीट भैया, जगत भैया, ये जैक ने कुकुर ने मेरी ये हालत कर दी है। बताओ भाई तुम बताओ ना, कौन बोलेगा ऐसे पीछे से, गेमर फ्लीट भैया, जगत भैया, कौन बोलेगा, तुम बताओ ऐसा कौन बोलेगा पीछे से चिल्ला के। वहां झुंड बना हुआ है, सारे भाई फ्लीट भाई, फ्लीट भाई ये सब बोल रहे हैं, एक बंदा पीछे से बोलता है गेमर फ्लीट भैया, जगत भैया, ये कुत्ते की वजह से, ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये, वैसे वो मैं था, मतलब तू आया था वहां, जैकुला जैक फेस रिवील होते होते बच गया, अबे मैं मुड़ा नहीं बे पीछे, व्हाट द हेक, ब्लॉग में ढूंढ लो, अभी देखो रात भर भाई ब्लॉग की क्लिप को जूम कर कर। मैं रिवील करने वाला हूँ जैक भैया का नेम, चैनल और वॉइस रिवील। तो जैक भैया का रियल नेम है दीपांशु प्रजापति और इनके चैनल का नाम है एमसी एडोन, जिन्हें आप लोग ऑब्वियसली पहले से ही जानते होंगे, और इनका वॉइस भी सुन लो थोड़ा सा। Then, oh, वो वस्तु मुझे मिल जाएगी, और क्या इन वस्तुओं का इस्तेमाल करके मैं गेडन ड्रैगन को हरा पाएगा, जानने के लिए देखते रहे। और इन्हीं सभी को एमसी बुश ने और कायदे से एक्सप्लेन किया, इसीलिए तुम लोग उनकी बात को सुन लो। एमसी एडोन ही जैक है, बट विदाउट प्रूफ आप लोग यकीन नहीं करोगे कि एमसी एडोन ही जैक है, तो मैं आपको कुछ प्रूफ दिखा देता हूँ। ओके, तो फ्लीट एसएमबी के फर्स्ट सीजन में जब जैक की एंट्री हुई तो जैक ने एमसी एडोन की स्किन इक्विप की हुई थी, एंड जैक डॉक्टर बनकर आया था। एंड अभी आप ये बताओ कि एमसी एडोन की स्किन डॉक्टर की स्किन है, ये कितने लोगों को पता था या पता है? ये तो उसको ही पता होता है जो बंदा अपनी सोच के अकॉर्डिंग स्किन डिजाइन करता है, और ये जैक को पता था कि ये डॉक्टर की स्किन है, क्योंकि ये स्किन जैक या एमसी एडोन ने ही डिजाइन की है। और हाँ, एमसी एडोन ही जैक है। तो यहाँ पर हमें बताया जाता कि एमसी एडोन ही जैक भैया हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस टाइम पर जैक भैया की स्किन कुछ इस तरीके से और उस टाइम पर दीपांशु की लगाई हुई थी, मतलब कि एमसी एडोन की स्किन थी, लेकिन इन रियल जो जैक भैया ने स्किन लगाई हुई थी एमसी एडोन की नहीं थी, क्योंकि अगर आप लोग क्रोम या गूगल पर सर्च करोगे डॉक्टर स्किन तो यही वाली स्किन आएगी। और अब क्योंकि जिस टाइम पर जैक भैया डॉक्टर बनकर आए थे उस टाइम पर एसएमपी के अंदर डॉक्टर की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर स्किन सर्च करके डाउनलोड कर लिया होगा। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एमसी एडोन की स्किन है और जैक भैया की स्किन है, और दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बाकी तुम लोग जानते हो कि जो अपने जैक भैया बहुत ज्यादा नॉटी क्यूट हैं, वो माइनक्राफ्ट में थोड़ा सा भी प्रो नहीं है, बस अपनी हरकतों से मजा लगाते हैं, और जो एमसी एडोन है वो माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत ज्यादा प्रो है। लेकिन तुम लोग सोच रहे हो शुरू में मैंने कहा था कि सब कुछ रिवील कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? तो देखो बस फ्लीट भाई इसलिए डील कर रहे हैं ताकि इनके चैनल की
सीरीज डाउन ना हो, इसलिए उन्होंने कहा है 5 मिलियन पर वॉइस रिवील होगी और 10 मिलियन पर फेस रिवील होगा, जो कि अभी फिलहाल होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और जो लोग इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं जेक भैया फेस रिवील, जेक भैया वॉइस रिवील, तो इन सबको ना ही देखना। अब मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं, बस मैं समझा रहा हूं, क्योंकि देखो कोई बंदा इतना मूर्ख तो होगा नहीं कि गलती से फेस रिवील कर देगा या गलती से वॉइस रिवील कर देगा। और अगर गलती से मान लो हो भी गई तो कट जाती है एडिटिंग के टाइम, और जो लाइव स्ट्रीम के क्लिप को उठाकर कह दे कि यहां पर फेस रिवील या वॉइस रिवील हुआ है तो भी गलत रहती है, क्योंकि जेक भैया के अंदर थोड़ा तो दिमाग होगा कि लाइव स्ट्रीम में तो सामने आएंगे नहीं। और ये वाली वीडियो मैंने इसलिए बनाई ताकि आप लोग फालतू के सोचना रखो कि इस तरीके से हो जाएगा फेस रिवील या वॉइस रिवील, जब फिलिट भैया का माइलस्टोन पूरा हो जाएगा तो अपने आप खुद कर देंगे। और ये बात खुद उन्होंने ही कही है। सिंपल सी बात है, बोल रखा है 5 मिलियन पे जैक की वॉइस रिवील होगी, इसके तो घर में जाकर पकड़ के इसको लेके आऊंगा और उसके बाद वॉइस रिवील करूंगा, चाहे फेस नहीं रिवील करेंगे, जैक ने खुद बोला हुआ है, फिर वो चीज उसके अगेंस्ट हो जाएगी, पर इसने बोला है भाई 5 मिलियन पे वॉइस रिवील करूंगा। वेल गाइस, यहां पर आप लोग कुछ स्केच को देख सकते हो जो कि मैंने खुद बनाया है, और इस तरीके का स्केच मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं, जिसका कॉस्ट सिर्फ 49 रुपीज ही होगा। तो गाइस अगर आप लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो डिस्कॉर्ड या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, मैं पर्सनली आपसे बात कर लूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में उस वाले स्केच को मैं दिखाऊंगा अभी वीडियो के अंदर, तो अगर बनवाना हो तो मैसेज कर देना मुझको। बाय द वे गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर ये वाली वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर ही लेना। वेल गाइस, मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।